हेलो फ्रेंड्स, जय बालाजी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काश मेरा की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पानी पूरी। चटपटा हम पानी बनाएंगे और मसाला बनाएंगे टेस्टी टेस्टी। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आधी कटोरी काला चना लिया है, उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी हम इसे पानी में सोक करेंगे 6-7 घंटा। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। मैंने आधी कटोरी चना भिगोए थे, ये चना फूल के ऊपर आ गए हैं, पूरा भर गया है, देखिए। अभी हम आलू और चने को पका लेंगे, 4 विसल बजाएंगे कुकर में। चलिए फ्रेंड्स, गैस ऑन करेंगे। मैंने आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने 10-15 आलू लिए हैं फ्रेंड्स, छोटे से, और आधा कप मैं ये चना ऐड करूंगी। जो आधा कप मैंने चना भिगोया था वो हम ऐड करेंगे। कम से कम हमें 6-7 घंटा चने को भिगोना है फ्रेंड्स। अभी हम लीड बंद करेंगे। चार विसल बजाएंगे फ्रेंड्स हम। तब तक हम पानी पूरी का पानी तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तीखे पानी की फुल रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, तो वहाँ से आप चेकआउट कीजिएगा। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही दिखाया है। ग्राइंड हो चुका है, अभी हम एक बाउल में निकाल लेंगे, बाद में हम पानी बनाएंगे फ्रेंड्स। हाँ बेटा, अब हम खट्टा मीठा चटनी बनाएंगे फ्रेंड्स। से है खट्टी मीठी तीखी और टेस्टी इमली की चटनी, तो इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, तो वहां से चेकआउट कर लीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो तैयार है हमारी खट्टी मीठी और तीखी इमली की चटनी। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे बूंदी, इसकी रेसिपी भी आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा फ्रेंड्स, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, वहां ऐड कर दी है लिंक। बूंदी आपकी गोल गोल गिर रही है, मतलब आपका बैटर एकदम बराबर है। ये राउंड राउंड बूंदी हो गई है, मतलब मेरा बैटर एकदम बराबर है। बूंदी गिराते समय हमें फ्लेम को फुल रखना है। बूंदी गिराने के बाद हमें फ्लेम को मीडियम रखना है, नहीं तो बूंदी जल जाएगी फ्रेंड्स। इतनी बढ़िया बूंदी हो गई है, देखिए फ्रेंड्स। तो तैयार है फ्रेंड्स बूंदी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं पानी पूरी का पानी। फ्रेंड्स, इसमें मैंने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू
नींबू का जूस मैंने ऐड किया है और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था फ्रेंड्स। तो अभी हम बनाएंगे पानी पूरी का छटाकेदार पानी। करीब 2 लीटर हमने पानी ऐड किया है। अब हम बनाएंगे पूरी। फ्रेंड्स मैंने ये पूरी मार्केट से ली है, इसे बस फ्राई करना रहता है और आपकी पानी पूरी की पूरी तैयार है। फ्रेंड्स पूरी बन गई है, अभी हम पानी पूरी का मसाला तैयार करेंगे। हाथ से ही हम मसल लेंगे आलू को। हम इसमें चना ऐड करेंगे, इसमें आप हरी मिर्च की पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। आधी चम्मच हम चाट मसाला ऐड करेंगे, आधी चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी अच्छे से हमें सब मिक्स कर देना है। इसमें आप प्याज धनिया आपको जो भी एक्स्ट्रा ऐड करना हो कर सकते हो, मैंने सिंपल ही रखा है क्योंकि हम लोग सिंपल ही खाते हैं। फ्रेंड्स अच्छे से सब मसाले मिक्स हो गए हैं, तो अभी हम सर्व करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ऐसी और भी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।